ओ यो, वेलकम बैक। आज मैं शेयर करना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ मेरा गोवा वाला एक्सपीरियंस। यस, सिंस आई एम फ्रॉम लिटरली हियर, गोवा मेरे लिए ज्यादा दूर नहीं है। मैं वहाँ पे बहुत बार गया हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों के साथ मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो हम गए थे गोवा समर वेकेशन के टाइम पे। अब पहली बात तो मेरी फैमिली बहुत कंजूस मक्की चूस है। गोवा का प्लान बाद में, इनकी पहले बजट की प्लानिंग होती थी। अरे मैं बोल रहा हूँ, ये वाला होटल अच्छा है। एक नाइट का 3,000? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये 500 वाला चलेगा। अरे इधर तो रूम सर्विस भी नहीं है। हाँ मम्मी पापा सही बोल रहे हैं, वो 3,000 वाले में रूम सर्विस सब कुछ है। हाँ मम्मी, ये मम्मी इधर अच्छा व्यू भी है। तुम लोगों के दादाजी दादी जी ने खजाना छोड़ के नहीं गए पीछे? इतने महंगे होटल में रहना इनको, 500 वाला फाइनल। एंड गोवा वॉज ऑन। ओके, सो एज आई सेड, मेरी फैमिली कंजूस थी, हम लोग ट्रेन से गए थे, विच इज ओके यार, मुझे ट्रेन से जाना पसंद है, क्योंकि मेरे यहाँ से गोवा तक की जो ट्रेन लाइन थी उसमें बहुत गुफा मिलते थे। अब मैं हूँ गुफा का शौकीन, क्योंकि सब कुछ डार्क सा हो जाता है एंड मैं चिल्लाने लग जाता हूँ। हेलो हेलो हेलो, या मुझे खुद की एको सुनने में बहुत मजा आता था। एनीवेज, नाउ आई नो जो नॉर्थ लोग गोवा में आते हैं वो काफी एक्सपेक्टेशंस रख के आते हैं कि गोवा में हर जगह बीच ही बीच है। लाइक बीच के अलावा वहाँ पे कोई चीज है ही नहीं भाई, सब पानी से भरा है। गोवा तो एक आइलैंड है एंड कि यहाँ पे बहुत व्हाइट पीपल यानी कि फॉरिनर्स होंगे। मेरा एक खुद का नॉर्थ वाला दोस्त ने मुझे ये सब बोला था और फिर गोवा विजिट करने के बाद बोलता है, यार भाई गोवा में काफी एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, सोचा था हर जगह पे सुंदर फॉरिनर लड़कियाँ होंगी। देख भाई, पहली बात तो भाई, अगर तुम गोवा में सिर्फ फॉरिनर्स को देखने आए हो तो तुमसे बड़ा सी वर्ल्ड और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। एंड मैं गोवा गया हूँ, इट्स नॉट लाइक गोवा पूरा पानी का आइलैंड है। गोवा में घर भी है, अच्छे लैंडमार्क्स भी है। आई मीन जब हम पहली बार गए थे तो गोवा मुझे नॉर्मली लगा था देखने में वगैरह, इट वॉज लाइक अ नॉर्मल सिटी। हाँ मे बी हमारे तुरंत पहुंचते ही वहाँ पे बीचेस एंड बीचेस ढूंढने लग गया, बट बाद में मालूम पड़ा कि गोवा में कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस में ये सब दिखता है। लाइक तुम्हें पॉपुलर जगह पे जाना होगा लाइक ऐसी चीजें देखने के लिए। तो हम पहुंच गए फाइनली गोवा, शाम के 7 बज रहे थे एंड मैं अपने मम्मी पापा से रोया, चलो बीच अभी चलते हैं, मेरे को अभी बीच जाना है। देन ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा ने बोला, नहीं तेरा दिमाग खराब है, रात हो रहा है, बीच क्यों जा रहा है, अभी कल सुबह घूमेंगे। अब हम ठहरे होटल में, ठीक है, जहाँ पे मैं रात को सोया नहीं, ठीक है, मेरे में वो एक्साइटमेंट थी कि सुबह कब होगी मेरे को बीच जाने, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम गोवा था, लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट, ठीक है। और जब भी मैं कहीं पे फर्स्ट टाइम जाता हूँ ना, जैसे कि मैं केरला भी गया हूँ, मैं सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ वहाँ पे। मैं मेरे को देखने का शौक है कि ओके मेरी जगह से यहाँ पे क्या डिफरेंट है। तो यार सुबह हो गई, अब जैसी सुबह हुई हम फटाफट से रेडी होके बाहर गए विद अ मैप इन आवर हैंड। सो हम टेरे कर्नाटका से और यहाँ वाले हिंदी वाले। अब मेरे पापा को tier 1 वाली हिंदी आती है। अरे आपको जानते ये बीच बीच, ऐसा लग रहा था जादू इंसानों से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। डोब 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 है ना जादू। सो इनको इतना स्ट्रगल करते हुए देखे मैं आता हूँ द सेवियर, जिसको बचपन में ही tier 69 वाली हिंदी आती थी। ओए हेलो, हम लोग ना बीच ढूंढ रहे हैं, बीच आप ले जाओगे हमें वहाँ पे? क्या हुआ बेटा, पता चला कुछ? हाँ ये पता चला कि वो रिक्शा वाला तमिल बोलता है। सो फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम पहुंचे बीच में। फिर हमने थोड़ा वहाँ पे मजा किया, लेकिन हम वहाँ पे एक जगह पे रुके नहीं, ठीक है, हम एक पे बीच पे जाते गए। लेकिन वी डिड अ हॉरिबल थिंग, हम एक्स्ट्रा कपड़े ले जाना भूल गए थे और जब हम बीच में खेले तो हमारे कपड़ों में सैंड घुस गया था विद अ लॉट ऑफ वेट वाटर। एंड गेस व्हाट, एंटायर टाइम जब हम बस में ट्रैवल कर रहे थे तो उसी रेत वाले भीगे भीगे कपड़े में जा रहे थे। क्या क्या क्या, रेत में डूबे वाले इंसान को कभी नहीं देखा क्या? और पैंट में तो इतनी रेत जमा हो गई थी कि चलने में मुश्किल हो रही थी। अब देखो मैं साउथ वाले गोवा में गया था ऑब्वियसली, क्योंकि वो पास पड़ता है एंड मैं बीच के अलावा कुछ अलग लोकेशंस में भी गया था, जिसको देख के लगा कि इस साला तो इंडिया नहीं अमेरिका है भाई, क्योंकि कुछ प्लेसेस वहाँ पे काफी अलग थी जो कि तुम यहाँ पे तो नहीं देखोगे। लाइक कुछ घर जो मैंने देखे वहाँ पे फेंसेस थे जैसे कि कहीं तुम बाहर की कंट्री में ही देखोगे, ये मैंने सब इंडिया में कहीं नहीं देखा था आज तक। एंड एक और बात, वहाँ पे जिस बीच में भी मैं जाता था वहाँ पे ना मच्छी टंगी रहती थी, वहाँ पे वो उसको वही पे पका के बेच रहा था। ये मच्छी कितने का है? 500 की है। एक क्या 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 500?
अरे अपने यहाँ 200 के अंदर मिलता है। हाँ तो इधर सब अलग है, वो देख रहा है उसे जो पानी की बोतलें बेच रहा है वो अपनी एक बोतल 50 रुपए में बेचता है। हबीबी हबीबी इधर आते, एक पानी की बोतल सिर्फ 50 रुपए में होती। अरे मुझे दो भाई, धूप ने जान ले लिया भाई। हाँ हाँ लेती। अब मैं फाइनली अमीर होती और बड़ा सा पानी की बोतलों की कंपनी बनाती। और तुम लोगों को पता है अगर तुम लोग कहीं पे भी गोवा पे 20 सेकंड से ज्यादा एक जगह पे रुके ना तो तुम्हारे पास आते हैं ये दो टाइप के प्राणी, एक वो जो तुम्हारी फोटो खींचना चाहते हैं और एक वो जो बोलते हैं अरे सर आप तो यहाँ के नहीं लगते, आपको इधर का टूर चाहिए क्या सर? मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, मैं आपको यहाँ की पूरी हिस्ट्री बताऊंगी सर। सुन मेरी बहन, मैं इधर मजे करने आया हूँ, हिस्ट्री पढ़ने का शौक है तो स्कूल में मरा लेता अपनी। बट गाइड से वर्स्ट होते हैं ये कैमरामैन जो कि कैमरे को तुम्हारी तरफ ही करके रखते हैं और बोलते हैं हेलो सर, आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हो। थैंक यू, आई मीन मैंने ज्यादा कपड़े पहने नहीं है। आप तो इतने अच्छे दिख रहे हो कि आपकी तो एक फोटो बनती है सर। नहीं मुझे नहीं खींचना। तो जैसा बद्दा इंसान नहीं देखा आज तक, कभी नहीं देखा मैंने, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और मुझे ये बताओ गोवा वालों ने चाय में कोई स्पेशल PhD करके रखी है क्या? हम वहाँ पे एक जगह पे चाय पीने रुक गए थे, क्या ही टेस्टी चाय था यार वो। तुम लोग गोवा जाओगे तो वहाँ पे चाय जरूर पीना। आई मीन ऐसे चाय के लिए तो मैं 50-100 रुपए देने के लिए भी रेडी हूँ। सर 500 की चाय है। यो गाइस, हाय इट्स मी अगेन। आई होप कि तुम लोगों को मेरी गोवा की स्टोरी टाइम अच्छी लगी होगी। मेरे पास काफी और जगह की भी स्टोरी टाइम है, तुम लोग बताओ तुम लोगों को ये वाला कैसा लगा। अगर तुम लोगों को मेरी और भी ट्रिप्स की स्टोरी टाइम चाहिए तो बताओ मुझे, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक एंड कमेंट कर दो। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।